अस्सलाम वालेकुम, माय हेल्पर हैज़ क्लीन्ड ऑल दिस किचन शेल्फ्स, काउंटर एंड एवरीथिंग इज़ शाइनिंग सो वेल। ये देखें, बिल्कुल एम्प्टी है और साफ़ है। और यहाँ मेरी मशीन्स हैं, कुछ ये थोड़ी सी बॉटल्स हैं जिनकी कैबिनेट में जगह नहीं है। तो ये हम कुछ सब्ज़ी बना रहे हैं, मज़ेदार सी फलियाँ जो कि बहुत महंगी हैं और मुझे स्टोर से मिली थी, इसलिए ये मुझे अच्छी लगती हैं कि इसमें फुल न्यूट्रिशन है, लॉट्स ऑफ प्रोटीन है और ग्रीन वेजिटेबल्स में सारे विटामिंस होते हैं। इसमें हम थोड़ी सी डाल लेंगे शिमला मिर्च और भी है पोटैटो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, थोड़े से आलू टॉस करेंगे। पहले डाल रही हूँ आलू, अब इसके बाद ये फलियाँ डालेंगे और इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इससे इनका जो कलर है वो निखर आएगा और थोड़ी सी ये कुक हो जाएगा। ये देखें, मैंने बीन्स भी डाल दी है इसमें, क्या खूबसूरत कलर आ रहा है, शाइन आ रही है। 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे, ठीक है। इसके बाद मसाला बनाते हैं। ये प्रेशर कुकर यहाँ पर तैयार है, इसके अंदर मसाला भी। प्याज हरी मिर्चें फ्राई हो रही हैं, जीरा डालेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर डालेंगे 2 दरमियाने टमाटर, और इसके बाद इसमें नमक मिर्च डाल के पेस्ट बना देंगे। नमक मिर्च हल्दी धनिया ड्राई मिर्च स्पाइसेस, कीप कुकिंग अंटिल द मसाला इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। खाने के साथ साथ मेरा लाउंज बिल्कुल क्लीन हो चुका है। माय हेल्पर्स आर असिस्टिंग मी एंड क्लीनिंग एंड कुकिंग आर गोइंग अलोंग। ये देखें रूम की शाइन देखें। और ये सारे अभी बच्चे के कार जो हैं, ये ड्रंट डेकोर हुआ है आर एसी की बर्थडे का, तो इसके डैडी के आने तक हम इसे यूं ही रखेंगे। मसाला पेस्ट के फॉर्म में आ चुका है। ये हमारी फ्राइड वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मेरा रफ सॉस पैन है जो मैं आम रफ यूज़ के लिए करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है तो सिलेंडर यूज़ होता है। तो जो इनके बॉटम है ना सारे पैन के, वो नीचे से ब्लैक होते हैं, तो जब गैस आ जाएगी तो फिर शायद ना हो। और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, इसे हम एंड में डालेंगे जब हमारा 70% हो जाएगा ना खाना कुक, जब डालेंगे। अब मैं इसे दम पे रख देती हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा।